शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 5 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है लिंग। आज हम लोग लिंग पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चे आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण लिख रखी हूँ बोर्ड पर। यहाँ लिखा हुआ है मोर, लड़का, दादा, बकरी। ठीक है, मोर, लड़का, बकरा, दादा। ठीक, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नर, यानी ये मोर, लड़का, दादा, बकरा पुरुष जाति का है, नर जाति का है। ठीक है, दूसरा देखिए, मोरनी, लड़की, दादी, बकरी, उसी का मैं फिर से लिखी हूँ, मोरनी, लड़की, दादी, बकरी। तो इन शब्दों से मादा जाति का बोध होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कह सकते हैं लिंग क्या है, शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से संज्ञा का नर या मादा होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए हम किताब के अनुसार देखते हैं लिंग की परिभाषा। किसी भी शब्द के नर या मादा, ओके, किसी भी शब्द के नर या मादा होने का ज्ञान कराने वाला रूप, शब्द का वो रूप जिससे हमें पुरुष जाति या नर जाति का ज्ञान होता है, या नर या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाला शब्द का रूप क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखिए मैं यहाँ लिखी हूँ लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग दो भागों में विभाजित है, पुलिंग और स्त्रीलिंग। नपुलिंग, पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति के लिए या नर जाति के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं वे पुलिंग कहलाते हैं। उदाहरण, लड़का, बैल, शेर आदि। ठीक है, अभी स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द या मादा जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उसका उदाहरण हमने पुलिंग में देखा था, क्या देखा था बेटे, हम देखे थे लड़का, बैल, शेर। तो यहाँ स्त्रीलिंग में देखेंगे लड़की, गाय, शेरनी। तो वही नर का लिंग को हमने चेंज कर दिया, तो मादा में हो गया लड़की, गाय और शेरनी। ठीक है, अभी हम लिंग के बारे कुछ और भी सीखेंगे, चलिए देखते हैं। अभी हम लोग स्त्रीलिंग और पुलिंग में कुछ और भी चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी बेटे, आ अंत वाले शब्द अधिकतर, हमेशा नहीं, प्राय माने बहुत बार आ अंत वाले शब्द पुलिंग होते हैं। ओके, जिस शब्द के अंत में आ सुनाई देता है वे हमेशा या प्राय पुलिंग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ सोना, न में आ का ना, सोना, आ सुनाया, सोना, नाला, आ टोकरा। इसलिए बच्चे यहाँ आ अंत वाले शब्द अधिकतर क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, ई अंत, बड़ी, ओके, या दीर्घ ही बोलते हैं, ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अधिकतर ई अंत वाले शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण देखिए पहाड़ी, ओके, ई पहाड़ी, खिड़की, टोकरी। तो जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमें दीर्घ ई का उच्चारण करते हैं, इसलिए ये शब्द अधिकतर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट है, कुछ शब्दों के लिए लिंग नहीं बदलते। तो कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता है, वो किसी भी लिंग में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, राजदूत, डॉक्टर, आदर वो लड़की हो, लड़की जाति का हो या पुरुष जाति का हो, हम उसे डॉक्टर है तो डॉक्टर ही कहते हैं, राष्ट्रपति है, आदर वो अगर वो स्त्री जाति के हो या कि पुरुष जाति को हो के हो, तो अभी हम उसे राष्ट्रपति ही कहते हैं। तो इनका लिंग नहीं बदलता है। ठीक है,
आगे देखिए, कुछ शब्दों का लिंग बदलने के लिए नर या मादा शब्द लगाया जाता है। तो जो शब्द है उससे हमें स्त्री और पुरुष जाति का पहचान कराने के लिए हम उसके आगे नर या मादा शब्द जोड़ते हैं। देखिए यहाँ चीता, ठीक है, चीता है तो हमने लिखा है नर चीता, यानी पुरुष जाति वाला, नर चीता मादा चीता, ओके, स्त्रीलिंग सॉरी पुलिंग स्त्रीलिंग। नेक्स्ट मच्छर, नर मच्छर मादा मच्छर, पुलिंग स्त्रीलिंग। भालू, नर भालू मादा भालू। तो बेटे हमने कहा, मैं बोली कि कुछ शब्दों के पहले नर या मादा लगाते हैं, पुलिंग की पहचान के लिए नर लगता है और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए हम मादा लगाते हैं। इस तरह लिंग में हमने देखा कि लिंग हमें नर या मादा यानी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है। नर लिंग के दो भेद हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग, और कुछ अलग बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला है। ठीक है प्यारे बेटे, आप वीडियो देखिए और देखकर पाठ समझिए। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू, बाय।